देख रहे हैं वॉइस ऑफ इंडिया टीवी और मैं आपके साथ राधा। सुख के अपडेट की बात करें तो केंद्रीय कर्मचारियों पेंशनरों को एक और अच्छी खबर मिलने वाली है। जी हाँ, जल्द सैलरी में एक बार फिर इजाफा होने वाला है। ताजा मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो जुलाई में केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता फिर से 3-4% तक बढ़ सकता है। अगर ऐसा हुआ तो कर्मचारियों की सैलरी में अगस्त में 1 लाख से लेकर 2.60 लाख तक की बढ़ोतरी होगी। फिलहाल कर्मचारियों को 34% तक डीए मिल रहा है। दरअसल मार्च 2022 के इंडेक्स आंकड़ों के आने के बाद डीए में 3% वृद्धि होना तय माना जा रहा है। हालांकि अभी 3 महीने के आंकड़े आना बाकी है। जून तक के आंकड़े आने के बाद केंद्र सरकार जुलाई में इसकी समीक्षा करेगी और अंतिम फैसला लेगी। अगर 3-4% और बढ़ता है तो यह 37% या फिर 38% पार करेगा और सैलरी में भी 2.60 तक का उछाल देखने को मिलेगा। इसका लाभ 47 लाख केंद्रीय कर्मचारी और 68 लाख पेंशन भोगियों को मिलेगा। केंद्रीय कर्मचारियों को बेसिक पे और ग्रेड के हिसाब से डीए मिलता है। ऐसे में वे अपने हिसाब से सैलरी कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो ये तो अब तक कभी लगातार जो